के साथ डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल थियोरीज। एंटरप्रेन्योरियल थियोरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन है और काफ़ी टिपिकल सा भी डिस्कशन है। सिलेबस की यदि हम बात करें तो हम टारगेट कर रहे हैं UGC नेट मैनेजमेंट पेपर 2, और इसके अंतर्गत हम फर्स्ट बुलेट में जैसा कि देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की थियोरीज भी पढ़नी है, और इसी थियोरीज को जो है आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी थियोरीज हैं जो इस वीडियो में लेक्चर में हम कवर करेंगे। हालांकि अगर इन थियोरीज को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे बुक्स में आपको काफ़ी वेगली जो है थियोरीज मिलेंगी, काफ़ी जो है ये बहुत काफ़ी व्यापक जो कॉन्सेप्ट है कह सकते हैं। तो अलग अलग लोगों ने जो है इनको अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन किया है, तो कहीं कहीं पे हो सकता है नेम में आपको कुछ वेरिएशंस मिले। जैसे कुछ थियोरीज के प्रोपाउंडर्स की यदि हम बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि हमने जो है डिफरेंट टू थ्री बुक्स से जो है कंबाइन करके इनको जो है कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, फिर भी कुछ थियोरी जो है यहाँ पे 7-8 थियोरीज हम आपके साथ इस वीडियो लेक्चर पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जो भी थियोरीज बच जाती हैं या फिर आपको लगता है कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम थियोरीज का पार्ट 2 वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स वे लोग होते हैं जो इनोवेट करते हैं, एक बिजनेस एंटरप्राइज को जो है स्टैब्लिश करते हैं, इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल साइज बिजनेस। तो कभी भी कोई बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो जनरली वो छोटे लेवल से ही शुरू होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स वे लोग होते हैं जो इसको इनोवेट करते हैं, सबसे पहली बात। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, बिल्कुल सिंपल भाषा में एक एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करना चाहें तो आप देखेंगे काफ़ी सारी जो है इस एंटरप्रेन्योर के व्यक्तित्व की बात करें हम तो काफ़ी सारी इसमें जो है अलग अलग क्षमताओं की बात होती है। शॉर्ट में हम कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इज समवन हु सेल्स द आइडिया। तो ये बात हो गई एक बेसिक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे देयर एग्जिस्ट मेनी अपॉर्चुनिटीज इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में जो है कई सारे जो है अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप थियोरीज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट अबाउट द सेम सेट ऑफ डिफरेंट व्यूज होगा यहाँ पे, डिफरेंट व्यूज अबाउट सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज and they are capable of driving out different output for the same input। यानी कि अगर हम बात करें अलग अलग entrepreneurs की जो है अलग अलग capabilities होती है, क्षमताएँ होती है, एक ही resource को use करके वे जो है अलग अलग output निकाल सकते हैं, यानी कि same input use करके depending on their capabilities या फिर उनकी जो है skills की बात करें उनका utilization करके अलग अलग रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग आउटपुट लेवल निकाल सकते हैं। तो ये जो बेसिस है हेट्रोजेनिटी है। अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, हमने देखा डेफिनेशन का एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी समवन हु सेल्स एन आइडिया। अब वो आइडिया सेल तो करता है, वो डिफरेंट रिसोर्सेज को तो यूज़ करता है, लेकिन आउटपुट सबका अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? कि क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर जो है एक डिफरेंट पर्सन है, हर एक एंटरप्रेन्योर जो है उनका जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट है वो अलग है, उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ है वो अलग है। तो ये जो है हेट्रोजेनस कॉन्सेप्ट है, होमोजेनस नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग है। इंडिविजुअल्स को वो रिसोर्स को अलग अलग तरीके से देता है। तो हर एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस करता है इसमें एक कोई एक मत नहीं है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के थियरीज की भी यदि हम बात करें तो उनमें भी जो है एक मत नहीं है, इसीलिए इतनी सारी थियरीज बनी है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थियरी की हम बात करें तो ये है इनोवेशन थियरी। इनोवेशन थियरी किसने दी थी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी है ये, इकोनॉमिक्स में भी हमें पढ़ना होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की इनोवेशन थियरी दी थी जोसेफ ए शम्पीटर। तो ये काफ़ी फेमस थियरी भी है। जोसेफ ए शम्पीटर को जो है जनक कहते हैं इनोवेशन थियरी का।
इन्होंने इन एंटरप्रेन्योर को जो है एक इनोवेटर कहा है। एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर क्यों कहा है देखते हैं आगे। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू कन्वर्ट अ न्यू आइडिया और इन्वेंशन इन इंटू अ सक्सेसफुल इनोवेशन। इनोवेशन पर जो है शम्पीटर ने खासा जोर दिया है। इनके अनुसार एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक इनोवेटर होता है। अब इनोवेटर जो है क्या होता, इनोवेटर वो व्यक्ति होता है जो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस कैरी आउट करता है। इन कॉम्बिनेशंस को भी हम आगे देखेंगे। इससे पहले समझते हैं कि शम्पीटर ने जो है डिस्टिंक्शन किया है किस में, इन्वेंशन और इनोवेशन। तो ये जो इन्वेंशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है। इन्वेंशन मतलब आपको पता ही है कि कोई चीज़ों का जो है खोज करना जो है इन्वेंशन कहलाएगा। और यहाँ पर हम बात करें अगर इनोवेशन की, तो इनोवेशन क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ द इन्वेंशन। तो अगर शॉर्ट में हम कहें क्रिएशन ऑफ एनीथिंग विच इज़ न्यू, कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में आएगा, इनोवेशन में आएगा। और इन्वेंशन की यदि हम बात करें तो कुछ जो एप्लीकेशन होती है उनको जो है हम कहेंगे इनोवेशन। कुछ भी नया हमने जो भी इन्वेंट किया है उसको जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, यही बेसिक मीनिंग है इनोवेशन का। तो इनोवेशन कैसा हो सकता है, इनोवेशन को उन्होंने ब्रॉडली इस कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई किया है। और एंटरप्रेन्योर या तो इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी जो है यूज़ कर सकता है बीइंग एन इनोवेटर, और इनमें से एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी। इसलिए हमने बात किसकी की, कॉम्बिनेशन की। एंटरप्रेन्योर कौन है, जो एक इनोवेटर है और इनोवेटर है और वो इनमें से एक कॉम्बिनेशन कैरी आउट करता है। ये कॉम्बिनेशन क्या है, या तो एंटरप्रेन्योर एक नया प्रोडक्ट लेकर आ सकता है मार्केट में, या एक नया प्रोडक्शन मेथड ला सकता है, एक नए मार्केट में सेल कर सकता है, या एक न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई ढूंढ सकता है, या फिर एक ऑल टुगेदर नया ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ा कर सकता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो ये बातें हो गई एंटरप्रेन्योर एज अ इनोवेटर की। इसके अलावा हमने डिस्टिंक्शन देखा कि शम्पीटर के अनुसार जो है इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों कैसे अलग अलग है, और इनोवेशन जो है इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शम्पीटर ने जो है ये अजम्पशंस दिए हैं इस थ्योरी के, तो उस अजम्पशंस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तीन अजम्पशंस हैं। एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न विद द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश हिज ओन इंडस्ट्री। तो एंटरप्रेन्योर इनके अनुसार जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक डिज़ायर के साथ, उस वो जो है एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर होता है, उनमें अंदर से इच्छा होती है कि अपना इंडस्ट्री तो हमें लगाना ही है, कुछ नया करना है, कुछ जो है क्रिएटिव करना है, इनोवेटिव करना है। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा यहाँ पे हमने किसकी चर्चा की, या तो वो नया प्रोडक्ट लेकर आएगा, नया प्रोडक्शन मेथड लेकर आएगा, नए मार्केट में जाएगा, नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई ढूंढे, या फिर एक ऑल टुगेदर नया ऑर्गेनाइजेशन बना ले। तो ये सारा कार्य वो किस लिए करता है एक एंटरप्रेन्योर, ये सारा कार्य केवल जो है केवल एकदम प्रॉफिट के लिए ही करता है। अब एक और चीज़ जो है आपको ध्यान देने के लिए ये है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटीज जो होती है, इसका इस थ्योरी में कोई चर्चा नहीं किया है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो उनको रिस्क टेकर भी होता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करें तो इन्होंने इन चीज़ों पर ना इम्पोर्टेंस ना देकर केवल ही जो है आपका इनोवेशन पर जो है जोर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल बिजनेस के लिए तो ये थियोरी काफ़ी सही है, क्योंकि उनके पास जो होता है दे कैन एक लिवरेज होता है, स्केल अप करते हैं अगर वो इनोवेशन पे जो है खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे एंटरप्राइजेस की बात करें जो काफ़ी स्मॉल स्केल पे रन करते हैं, तो वो जो है इमिटेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसके अंदर हमने इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स की भी बात की थी। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप का एक ओवरव्यू लेसन नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देख लें। अगर आपका बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं है तो उससे आपको जो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो हम डिस्कस कर रहे थे इस थियोरी का जो है क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो हमने देखा कि ये जो थियोरी है वो एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की यदि हम बात करें, या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करें, तो इन चीज़ों को जो है ये थियोरी शम्पीटर की इनोवेशन थियोरी कैरी नहीं करती है। इसके अलावा हमने देखा कि लार्ज स्केल बिजनेस के लिए
तो यह थियरी सही होल्ड करती है, बिकॉज उनके पास जो है पैसा होता है इनोवेटिव वर्क कैरी करने का, वो इतना रिस्क जो है ले सकते हैं। लेकिन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की यदि हम बात करें तो वो केवल इमिटेट कर सकते हैं और उनके लिए जो है इनोवेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी इनोवेशन थियरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ अचीवमेंट जिसको NH के नाम से भी जानते हैं, तो इनके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे? मैकलेलन। अब मैकलेलन ने क्या बोला है? मैकलेलन ने बात की है डिजायर टू अचीव इज द मेजर फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर। थ्री नीड थियरी की बात करते हैं मैकलेलन, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? डिजायर टू अचीव, कुछ अचीव करने के लिए ही लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेते हैं। तो और क्या चीज़ें हैं अचीवमेंट के अलावा? अफिलिएशन और पावर। अफिलिएशन यानी कि लोगों से जुड़ना और पावर यानी कि शक्ति जो है पावर पोजीशन में रहना, ये बात की है मैकलेलन ने। मैकलेलन के अनुसार द रोल ऑफ NH यानी कि हमने देखा फर्स्ट फैक्टर की बात करें, नीड ऑफ अचीवमेंट की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलेलन द रोल ऑफ NH इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट विच इन टर्न्स लीड टू एक्सेलरेट द टेम्पो ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर अंदर से ही इच्छा है कि कुछ हमें जो है अचीव करना है, तभी जो है हम एक्सेलरेट कर पाएंगे, तभी जो है बढ़ावा मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सो ही फील्स दैट अचीवमेंट मोटिवेशन इज नरिश्ड बाय एम्बिशन, जो है कह सकते हैं कि कुछ द ड्रीम टू अचीव बिग थिंग्स, कुछ नया करने की चाह, कुछ बड़ा करने की चाह जो है वो सर्वोपरि है। द ड्रीम टू अचीव बिग थिंग्स ओवर पावर्स, हम कह सकते हैं बाकी जितने भी चीज़ें हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि कुछ भी पारंपरिक सोच है लोगों की, या फिर अगर मॉनेटरी फैक्टर्स की बात करें, एक्सटर्नल इंसेंटिव्स की बात करें, तो इन सब से बढ़कर, पैसे से भी बढ़कर सबसे ज़्यादा क्या डिज़ायर है? कुछ बड़ा करने की चाहत। तो ये जो है मेन क्रक्स है थियरी ऑफ नीड अचीवमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो है एक बहुत ही क्लासिकल सा एक्सपेरिमेंट किया था, काकीडाडा एक्सपेरिमेंट, तो इसके बारे में भी हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है सेवरल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बिजनेसमैन के ऊपर। तो इन्होंने अमेरिका, मैक्सिको, बॉम्बे और काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इन सारे जगहों पर जो है एंटरप्रेन्योरियल एक्सपेरिमेंट्स किए। अब काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत, मोटा मोटा समझते हैं। इन्होंने जो है सबसे मेन क्या बात की थी? डिज़ायर टू अचीव, अचीवमेंट मोटिवेशन की बात की थी, कुछ बड़ा करने की चाहत की बात की थी, और इसी में जो है उन्होंने इंड्यूस अचीवमेंट मोटिवेशन इन एडल्ट्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था काकीनाडा नामक जगह में, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो इनमें इन्होंने क्या किया था, जनवरी 1864 को एक फुल फ्लडेड ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे। क्या इन्होंने 52 लोगों पर जो है, जो कि बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये ट्रेनिंग की। तो इसमें दो बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो हमने बार बार से बात की है, मैकलेलन ने जो है किसकी बात की थी? अचीवमेंट मोटिवेशन की बात की है। और सेकेंड बात की थी टू ब्रेक द बैरियर ऑफ लिमिटेड एस्पिरेशंस, जो कुछ बड़ा करने की चाहत होगी तो सर्टेनली जो है लिमिटेड, अगर जो है सीमित आकांक्षाओं को जो है, ऐसा जो भी बाधक चीज़ें बनती है जो हमारी आकांक्षाएं सीमित करती है, इसको हम कैसे ब्रेक करें? आइए समझते हैं एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर्स को चार बातें आपको जो है समझनी है जिस एक्सपेरिमेंट में हुआ था। सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, जो भी एंटरप्रेन्योर्स ने, जो भी 52 पार्टिसिपेंट्स थे, उनको कंट्रोल करने के लिए कहा गया था डे ड्रीमिंग, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए कहा गया था, स्वयं का नज़रिया बदलने के लिए कहा गया था। अब इन पार्टिसिपेंट्स को खुद को इमेजिन करना था, उन्हें जो है रियलिस्टिक और प्लान्ड गोल्स दिए गए थे, उसके साथ साथ फीडबैक लिया गया था। इसके अलावा जो भी वो मॉडल्स, जो भी वो हीरोज़ को जो है मानते थे, जिनको भी जो वो पॉजिटिव फिगर के रूप में मानते थे, उनको इमिटेट करने को कहा गया था इस एक्सपेरिमेंट में। इससे क्या हुआ, इसके अलावा जो है उनको यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया था मैकलेलन ने, यहाँ पे थीमैटिक अप्रिशिएशन टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो है
जो लोग भी इसमें अचीवमेंट रिलेटेड थीम्स को जो है काउंट किया गया था और फाइनल स्कोर जो है दिखाया गया था विच शोड द इंडिविजुअल्स डिजायर फॉर अचीवमेंट। सो इस ट्रेनिंग से जो है लोगों को प्रोत्साहन मिला क्या किस चीज करने का, डिजायर टू अचीव समथिंग इन लाइफ फास्टर, क्योंकि उन्होंने जो है हमने देखा क्या करवाया, उन्होंने जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहा था, उन्होंने जो है डे ड्रीमिंग रुकवाई, इसके अलावा जो है फीडबैक लिया, उन्होंने मॉडल्स हीरोज को जो है इमिटेट करने की बात की गई थी। तो इससे जो है डिजायर टू अचीव समथिंग फास्टर, जल्दी से जल्दी वो अपना बड़े करने की चाहत को, उनका जो सपना है उनको जो है रियलिस्टिक जो है फॉर्म दे सके, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप की जो बिहेवियर है, इकोसिस्टम है, वो और भी ज़्यादा फॉस्टर हो सके। सो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट इज़ यूज टू सेटअप अ न्यू इंटरप्राइजेस, कभी भी कोई नया एंटरप्राइज करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट जो है एक पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है, जो बताया जाता है, जो कंडक्ट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। तो ये एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था मैकलेलैंड द्वारा, जो बात करता है कुछ बड़ा करने की, और ये जो है मॉनेटरी और हमने देखा और बाकी सारे इंटेंसिव से इंसेंटिव से सबसे जो है डिज़ायर टू अचीव समथिंग बिगर इन लाइफ सबसे बड़ा मोटिवेशन है मैकलेलैंड थियोरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियोरी देखते हैं, थियोरी टू रिकवर द विड्रॉल ऑफ स्टेटस, और इसको हम थियोरी ऑफ सोशल चेंज की भी बात करते हैं, कहीं कहीं पे आपको इस नाम से भी ये थियोरी देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, एवरेट हेगन, और इनका जो बेसिक अजम्पशन था, इनका बेसिक अजम्पशन था कि अगर कोई भी, अगर इनको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं तो कोई भी अगर माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी कोई भी छोटा सा ग्रुप है, वहाँ पर जो है कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही है, तो जिसकी वजह से उनका जो है रेपुटेशन समाज में ख़राब हो जाता है। अब माइनॉरिटी ग्रुप मतलब कोई छोटा सा ग्रुप, मान लीजिए 5-10 लोगों का ग्रुप है, और उनको जो है किसी न किसी कारण से, कोई समस्या की वजह से वो अपना जो है रेपुटेशन खो देते हैं, अपनी इज्जत जो है समाज में खो देते हैं, तो तब वो ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है स्टेटस खो दी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है टू रीगेन इट। सो दिस इज़ वाई द थियोरी इज नेम्ड एट थियोरी ऑफ रिकवर द विथड्रॉल ऑफ स्टेटस, जो जो स्टेटस उन्होंने खो दिया है उनको कैसे वापस पा सके, इसी की बात की गई है एवरेट हेगन की थियोरी में। समझते हैं कुछ जो है एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी की स्टेटस खो गई है किसी ग्रुप की, तो इसको जो है कैसे उनको जो है वो वापस पा सके, क्या क्या कंडीशंस है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अगर एक ग्रुप को फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया गया है अदर ग्रुप से, जैसे कि कोई छोटा सा ग्रुप है जिनका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा एक्सेस नहीं है, तो उनको जो है जो बड़े ग्रुप होते हैं वो अप्रूव नहीं कर सकते हैं, उनको जो है बैकवर्ड की तरह कंसिडर करते हैं, जिससे वो मानते हैं कि उनका रेपुटेशन उस छोटे से माइनॉरिटी ग्रुप का जो है रेपुटेशन जा चुका है। इसी तरह अगर बड़ा ग्रुप जो होता है अपना नज़रिया बदल देता है उस छोटे सबॉर्डिनेट ग्रुप की तरह, तो ये भी जो है इस लो या फिर लॉस्ट रेपुटेशन ग्रुप कहलाएगा। या फिर when a group starts living in some new society, ग्रुप जो है अपना स्थानांतरण करता है और एक नए जगह में जा कर के जो है वो बस जाता है। तो हमने यहाँ पे जो है इस बेसिस पर जो क्या होता है, जो भी छोटे ग्रुप के लोग होते हैं जिनका भी जो जिन्हों ये फील होता है कि उनका जो है लॉस ऑफ रेपुटेशन हो चुका है, उनका जो है वो नीचे गिर चुके हैं, तो अ लोअरिंग ऑफ स्टेटस इज मेट बाय 4 डिफरेंट रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है अगर आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है आपका जो है स्टेटस गिर गया है, आप जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप का स्टेटस ही गिर गया है, तो इससे क्या होता है, इससे एक पर्सनैलिटी में जो है चेंज, व्यक्तित्व में जो है चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अब इस बदलाव की वजह से आपके रिएक्शन को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हेगन ने जो है 4 भागों में इस रिएक्शन को, इस पर्सनैलिटी चेंज के रिएक्शन को जो है बाइफरकेट किया गया है।
तो ये जो है एक जनरल मॉडल कह सकते हैं, जनरल मॉडल ऑफ सोसाइटी दिखलाती है एक जो भी इंटर रिलेशनशिप होता है सोसाइटी का डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, पर्सनालिटी के साथ, कल्चर के साथ। इस वजह से जब उनका रिएक्शन, उनका जो है स्टेटस बदलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के टच में आके उनका वो जो है डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो। तो इसको हम चार भागों में समझते हैं। क्या कहा है हेगन ने, रिट्रीटिस्ट की बात की थी सबसे पहले। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इस श्रेणी में आते हैं जो कि रिट्रीट करते हैं बाय कंटिन्यूइंग देयर वर्क विद इंडिफरेंस। तो उन्होंने अपने जो है पर्सनल स्टेटस के बारे में, पर्सनल पोजीशन के बारे में कुछ बॉदर नहीं करते हैं, दे कंटिन्यू इन द सेम वे। अगर उनका स्टेटस लोअर भी हुआ है, टिल दे कंटिन्यू द सेम बिहेवियर। सेकेंड, अगर हम बात करें रिचुअलिस्ट की, तो ये लोग वो होते हैं जो काम तो कंटिन्यू रखते हैं इस होप में कि अब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, फिर भी काम इम्प्रूवमेंट काम जो है कंटिन्यू रखना है। लेकिन ये लोग जो है एक डिफेंसिव एटीट्यूड जो है पर्सनालिटी जो है बना लेते हैं जिससे वो सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जा सके। थर्ड वाला है रिफॉर्मिस्ट। तो ये वो लोग होते हैं जो लोग एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहते हैं सोसाइटी में, और इस वजह से जो है ये रिबेल कर देते हैं। इन कैटेगरी में आते हैं रिफॉर्मिस्ट की कैटेगरी में। लास्ट वन इज इनोवेटर। इनोवेटर जो है कुछ नया जो है करते हैं अपना स्टेटस जो है वापस लाने के लिए। तो ये जो होते, वो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, इनोवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप थियोरी। ग्रुप थियोरी किन्होंने दिया था, ग्रुप थियोरी के प्रोपाउंडर थे यंग। इसमें जो है आप देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर की यदि हम बात करें तो उनका ग्रुप थियोरी का बेसिक क्रक्स यही है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी आप कहें कि जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि वो किसी क्लस्टर, किसी ग्रुप से अगर एसोसिएट करते हैं, किसी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से एसोसिएट करते हैं, एथनिक ग्रुप हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का ग्रुप हो गया, एक एंटरप्रेन्योर इसी का मैनिफेस्टेशन होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज इज पॉसिबल ओनली बाय एंटरप्रेन्योर ग्रुप। ग्रुप में जो ही है वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही आसान होता है एक साथ मिलकर रिएक्ट करना। और अगर कुछ भी आर्थिक परेशानी भी है एक एंटरप्रेन्योर्स को, तो एक साथ मिलकर जब आते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन से जो है एक बल मिलता है, और किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी से उभरने में इनको आसानी होती है। ये जो मैनिफेस्ट यहाँ पे जो है, आप शॉर्ट में कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप थियरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि एंटरप्रेन्योरिज्म इज एट एन इंडिविजुअल लेवल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रुप पैटर्न। जो ग्रुप पैटर्न होता है उसी को जो है आप एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सिंगल पर्सन जो है रेप्लीकेट करते हैं। यही मीनिंग है एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप थियरीज का। अब यहाँ पे बातें ये की गई है कि रिएक्शन की बात की गई है। आपने देखा कि इंडिविजुअल में जो है कम क्षमता होती है, लेकिन ग्रुप में टुगेदर जो है ये एक ज़्यादा क्षमता रखते हैं रिएक्ट करने की। तो ये कब रिएक्ट करेंगे, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसमें। जब द ग्रुप फील्स लो, अगर ग्रुप का जो है स्टेटस लो फील होता है, जिसकी बात हमने पिछले थियरी में की, अगर ग्रुप सक्सेसफुल नहीं होता है टू रीचिंग इम्पॉर्टेंट सोशल मिशन, अकेले जाकर मान लीजिए उनको सरकार से कुछ चाहिए, मदद चाहिए, या फिर किसी और ग्रुप से कोई मदद चाहिए, तो अकेले जाकर एकता में कहते हैं ना बल होता है, ये वही थियरी की बात की गई है कि यहाँ पे जो है जो काम वो अकेले नहीं कर सकते हैं वो एक साथ मिलकर ग्रुप में जो है आवाज उठा सकते हैं। और तीसरी बात की गई है ग्रुप हैज बेटर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। तो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल आप समझे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को विद इन अ कम्युनिटी, विद इन अ ग्रुप उनको चाहिए कुछ आर्थिक मदद की चाहिए, तो ये काफी आसान हो जाता है एक ग्रुप में। तो ये क्रक्स था एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप थियरी का। आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक कुछ चीजें और है यहाँ पे। व्हेन एनी सब ग्रुप इन अ बिग ग्रुप रियलाइजेस लो स्टेटस एंड पोजीशन, देन द कैपेसिटी टू रिएक्ट गिव्स बर्थ टू एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। तो हमने बात की वो तीन तरीके से, तीन कंडीशंस में जो है रिएक्ट करने वाले हैं।
Entrepreneurism is at an individual level is a manifestation of the group level pattern. This was all about entrepreneurial group theory. Next is social change theory. सोशल चेंज थियरी जो कि मैक्स वीबर द्वारा दी गई है. तो इन्होंने क्या माना था, मैक्स वीबर ने माना था कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है सोशल कल्चर और दूसरा है सोशल नीड. तो एक जो बिजनेस होगा वो सोशल कल्चर या सोशल नीड को ध्यान में रख कर ही अपना जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसको जो है प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे जो है रिलीजन पे खासा जोर दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा जोर आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म या फिर पूंजीवाद पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था. और रिलीजन को जो है एक गाइडिंग फैक्टर माना गया था, एक ऐसा गाइडिंग फैक्टर माना गया था जिसको ध्यान में रखकर ही आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज टेकअप करेंगे. तो ये चीज़ें थी. कैपिटलिज्म की यदि हम बात करें, पूंजीवाद पर जोर दिया गया था. क्यों जोर दिया गया था पूंजीवाद पर, मटेरियलिज्म पे? क्योंकि इनको जो है पूंजीवाद देशों में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको इकोनॉमिक फ्रीडम देखने को मिलेगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस देखने को मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें बातें की थी मैक्स वीबर ने सोशल चेंज थियरी में. तो मोटा मोटा इसको आप कह सकते हैं कि सोशल चेंज थियरी जो है वो बेसिकली यही है कि एक एंटरप्राइज जो है, एक एंटिटी जो है वो प्रॉफिट कैसे कमा सकता है जब वो ऐसी सोसाइटी में ऑपरेट करे जिसकी नीड को ध्यान कर, जिसका रिलीजन को ध्यान कर, जिसका कल्चर को ध्यान में रखकर वो प्रोडक्ट बनाए. एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जब हम रिलीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली जो है क्रिश्चियनिटी की बात की गई. हिंदुइज्म रिलीजन, हिंदुइज्म कम्युनिटी यहाँ पे फिट नहीं होगी क्योंकि हिंदुइज्म जो बिलीफ है वो पूंजीवाद में जो है बिलीव नहीं करता है. और यहाँ पर उन्होंने जो भी इम्फोसाइज किया था इसमें कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को ही इम्फोसाइज किया था. क्यों इम्फोसाइज किया था हमने देखा, पूंजीवाद जहाँ पर होता है वहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा फैलाव होता है. इसके अलावा जो है प्राइवेट एंटिटीज़ के अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है जिससे वो जो है अपने मर्जी के हिसाब से अपना, मटेरियलिज्म की बात की गई थी तो वेल्थ, टेक्नोलॉजी, जितने भी रिसोर्सेज की बात करी वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका उनको एक्सेस होता है. तो दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे जो है रिलीजन पर जोर दिया गया था मैक्स वीबर सोशल चेंज थियरी में, और सेकेंड थिंग की सोशल नीड्स के अनुसार, सोशल कल्चर के अनुसार रिलीजन को ध्यान में रखकर ही एक एंटरप्रेन्योर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करता है या डिलीवर करता है. नेक्स्ट इज कल्चरल वैल्यू थ्योरी. कल्चरल वैल्यू थ्योरी किन्होंने दी थी, कि क्रोकेन द्वारा जो है डेवलप की गई थी. इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने इम्फोसाइज किया था कल्चरल वैल्यूज़ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ पे, सोशल अप्रूवल, तो इन सारी चीज़ों पे इम्फोसाइज किया गया था एक एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट में. सो एंटरप्रेन्योर इज़ एन आइडियल पर्सनालिटी फॉर द सोसाइटी. वो जो है एक एंटरप्रेन्योर जो है एक सोसाइटी के लिए जो है आइडियल माना जाता है. क्रोकेन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड हिज परफॉर्मेंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री फैक्टर्स. क्रोकेन ने जो है कहा था एक एंटरप्रेन्योर तीन चीज़ों से जो है सक्सेसफुल होता है. पहली बात, एंटरप्रेन्योर्स ओन इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स वर्क एंड प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योर का खुद का अपने काम के प्रति झुकाव. सेकेंड थिंग इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्सेप्टेंस ग्रुप रिगार्डिंग द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर. सो उनके जो भी एक्सेप्टेंस ग्रुप होते हैं जहाँ भी एंटरप्रेन्योर रन करता है, फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में एक कल्चर को ध्यान में रखकर, तो वहाँ पर जैसे उनका एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेप्टेड होना चाहिए. और सेकेंड इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क. दिस इज द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर बींग एन एनी एंटरप्रेन्योर. योर प्रोडक्ट, योर फंक्शन शुड बी प्रॉपरली इन प्लेस. नेक्स्ट वी स्पीक ऑफ इकोनॉमिक थियरी. इकोनॉमिक थियरी की यदि हम बात करें तो इनके जो प्रोपाउंडर माने गए हैं वो है पेपक एंड हैसिस. इसके अलावा कई कई बुक में और भी बहुत सारे आपको जो है लोग मिलेंगे जो इकोनॉमिक थियरी से जुड़े हुए हैं. इकोनॉमिक थियरी हमें इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है. तो ये क्या बिलीव करता था, एक एंटरप्रेन्योरशिप वहीं ग्रो करेगा जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन
फेवरेबल हो। अब इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल हो का क्या मतलब है? तो जहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी सही हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सही हो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें, रॉ मटेरियल्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ये सब जो है सही तरीके से चल रही हो, वहीं पर जो है वही इकोनॉमिक सिस्टम में जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप फोस्टर करेगा। ये था क्रक्स इकोनॉमिक थियोरी का। दस द इंडिविजुअल इंटर्स इनटू इंडस्ट्रियल फील्ड विद द एम ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को यदि हम बात करें तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ रहेगी वहीं पर जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योरशिप जो है फॉस्टर कर सकता है। यही बात कही गई थी इकोनॉमिक थियोरी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, दिस द लास्ट थिंग वेयर विल बी डिस्कसिंग पीटर ड्रकर्स व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। पीटर ड्रकर का क्या मानना था एंटरप्रेन्योरशिप के जो ऊपर? तो पीटर ड्रकर मानते थे कि एंटरप्रेन्योर जो है एक यूनिक एजेंट ऑफ चेंज होता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ये कहते हैं द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सर्चेज फॉर चेंज एंड रिस्पॉन्स टू इट, एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा चेंज के लिए ढूंढता है, बदलाव परिवर्तन को ढूंढता है, उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया करता है और उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी मान करके जो है उसके प्रति जो है कुछ भी कार्य करता है। तो ये और भी कहते थे कि डकर अपॉइंट्स दैट द सक्सेसफुल इनोवेशन प्रैक्टिसेस आर द रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक हार्डवर्क की ये बात करते थे। और ये साथ में ये भी कहते थे कि एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी इज द आउटकम ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। सो इनोवेशन की भी इन्होंने बात की थी कंबाइंड विद गवर्नमेंट फैसिलिटेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ड्रकर जो है केवल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करते हैं, बल्कि सरकारी जो मदद है, सरकारी जो फैसिलिटेज की है, इन्होंने इनकी भी बात की थी। क्रक्स में यदि हम बात करें तो पीटर ड्रकर ने माना था एक एंटरप्रेन्योर को एक यूनिक चेंज एजेंट माना था। उन्होंने माना था कि एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चेंज को ढूंढता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ आपको और भी थियरीज पढ़ना है तो कमेंट करके हमें वो भी बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।